आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग सीखेंगे तंत्रिका तंत्र का विभाजन, जिसमें तीन भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेकंड है परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो मित्रों देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमें दो चीजों के बारे में गहन अध्ययन करना होगा। एक मस्तिष्क है, दूसरा मेरुरज्जु है। लेकिन इसके इस वीडियो में मित्रों हम लोग इनके विभाजन के बारे में जानेंगे, इसके बाद वीडियो में हम इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है क्या? इसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं। तो मित्रों मस्तिष्क का क्या कार्य होता है, मेरुरज्जु का क्या कार्य होता है, इसका जो सबसे बड़ा वर्किंग होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का होता है। अपने मित्रों जितने भी दिमाग से डिसीजन लेते हैं, मेरुरज्जु का जितना भी कार्य दिमाग से मिलकर करना होता है वो सब आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत लिख सकते हो। अब देखिए मित्रों, परिधि तंत्रिका तंत्र क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कपाल तथा मेरुरज्जु से संबंधित तंत्रिकाएं आती हैं, राइट। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिकाएं परिधि तंत्रिका तंत्र बनाती है। मित्रों ये जो परिधि तंत्रिका तंत्र है ना, ये कपाल तथा मेरुरज्जु संबंधित तंत्रिकाएं आती हैं, राइट। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाले धागे नुमा तंत्रिकाएं परिधि तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, ये इनका वर्किंग होता है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, इन पर कोई भी दबाव नहीं होता, ये बिल्कुल एकदम फ्री कार्य करते हैं, किंतु इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मित्रों जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं ना, ये बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होते हैं, इन पर कोई दबाव नहीं रहता। खास बात यह है किंतु इसका जो नियंत्रण होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। अच्छा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब यह होता है मित्रों दिमाग के द्वारा, राइट। जैसे आपका जो हाथ है स्वतंत्र है, आप देखते हैं आपका हाथ हमेशा चलता रहता है इधर उधर, लेकिन जब इसे कंट्रोल करना होता है तो हम लोगों का किस क्या डिसीजन लेता है, दिमाग, माइंड, राइट। इसके निम्न दो घटक हैं, एक आ जाता है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा आ जाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, राइट। ये दो मित्रों एग्जाम्पल होते हैं, राइट। तो अब इसके बाद वीडियो में थोड़ा मित्रों हम लोग आपको ब्रेन के बारे में बताएंगे, मस्तिष्क के बारे में बताएंगे। मित्रों जरा आप इस पॉइंट को से ध्यान दीजिएगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ये क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका संबंध उन अंतरांगी प्रक्रियाओं से होता है जो ऊर्जा व्यय के साथ, यानी शरीर के हम लोग के अंदर बता रहा है, शरीर के उन अंतरांगों प्रक्रियाओं से होता है जो ऊर्जा व्यय के साथ प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में शरीर की सुरक्षा करती है। देखिए जैसे सबसे पहले आ जाता है हृदय स्पंदन दर का बढ़ना, रुधिर नलिकाओं का सुकिलना, और क्या है मित्रों, रुधिर दाब का बढ़ना, लार स्त्राव का कम होना, राइट। ये है इसके अंतर्गत। यहाँ देखिए मित्रों, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या है, इसका क्या कार्य होता है, यह उन प्रक्रियाओं से संबंधित होता है जिनमें ऊर्जा संरक्षण होता है, ऊर्जा का बचाव, जैसे हृदय स्पंदन दर का धीमा होना, रुधिर नलिकाओं का शिथिल हो जाना, लार स्त्रावण में बढ़ोतरी होना, आहार नाल में क्रमानुकंचन का बढ़ना आदि, साथ ही यह इंसुलिन स्त्रावण बाह्य जननांगों को भी उत्तेजित करता है। अब देखिए मित्रों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जरा हम लोग ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन बढ़ाता है क्या, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। पारानुकंपी क्या करता है, हृदय की धड़कन को कम करता है। अब देखिए, हृदय की धड़कन कब मित्रों बढ़ता है, जब ऊर्जा व्यय होती है तब, लेकिन थोड़ा अगर ऊर्जा संरक्षण अगर होगा तो हृदय की जो धड़कन वो कम हो जाती है। यहाँ देखिए, पुतली को फैलाता है, ये पुतली को सिकोड़ देता है, बात समझ में आ रही है। अगर आपके अंदर ऊर्जा बचा रहेगा, ऊर्जा का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा आपके शरीर में, ऊर्जा संरक्षण रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका पुतली ही फैलेगा, यहाँ आपका सिकुड़ने लगेगा। अश्रु ग्रंथियों के स्त्रावण को बढ़ाता है, अश्रु ग्रंथियों का स्त्रावण को कम करता है, मूत्राशय को शिथिल करता है, मूत्राशय को संकुचित कर देता है। तो ये मित्रों आप देख पा रहे हैं, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक और देख लीजिए, आहार नाल की क्रमाकुंचन गतियों को धीमा करता है, क्रमानुकंचन गति को बढ़ाता है, राइट। तो इस वीडियो में मित्रों हम लोग इन तीनों के बारे में, फैक्टर के बारे में सीख पाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।